हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से सिर्फ 200 रुपये में आप छोटी छोटी गाड़ियों का आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उनसे बड़ी गाड़ियाँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाटा एसी बोलेरो पिकअप का आप जो बिजनेस है बिना ऑफिस और बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट का आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ इसमें आपको ऑफिस का रिक्वायरमेंट होगा, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो आइए जानते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में किस तरह से आप बड़ी गाड़ियों का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी गाड़ियों का बात करें तो उस कैटेगरी में आपको 407, 1109, 709, 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, इस तरह का गाड़ियाँ आपको आएंगी। और सबसे पहले जानते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट के नाम पर इसमें क्या क्या चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक जीएसटी नंबर, एक उद्योग आधार और एक शॉप एक्ट लाइसेंस आपको चाहिए। बात करें ऑफिस की, तो आपको ऑफिस उसी जगह लेना चाहिए जहाँ की आपको आपके शहर का और भी ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। अगर वहाँ पर आप ऑफिस लेते हैं तो ये बेहतर होगा। उसके बाद आप बात करें लीड जनरेट का, कि कैसे मेरे पास कस्टमर आए, तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। ऑफलाइन तो एक ये है कि ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो आप ऑफिस खोल के बैठे हैं उस पर डायरेक्ट कस्टमर आ सकते हैं अगर आप सही जगह पर हैं। और बाकी जो ऑफलाइन मेथड है वो ये है कि आप जो भी आपके शहर के अगल बगल जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर है अलग अलग सामान का, अलग अलग चीज़ों का, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उनको रेगुलर बेसिस पर गाड़ी की जरूरत पड़ता है। तो आप उनसे जाके मिलिए, उसको नोट कीजिए कि किस तरह का गाड़ी की जरूरत पड़ता है। ये हो ऑफलाइन, ऑफलाइन तरीका हो गया। ऑनलाइन तरीका आपका ये है कि एक अपने एड्रेस, जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट तैयार कीजिए और उसको अलग अलग पोर्टल पर, जैसे कि जस्ट डायल, सुलेखा, इस तरह से ट्रेड इंडिया, इस तरह का जो भी वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि इस तरह का है, जस्ट डायल जैसा है, उस तरह का सारे वेबसाइट पर आप अपना रजिस्टर करवाइए। पहले फ्री लिस्टिंग करवाइए और ये ध्यान रखिए कि हर जगह जो भी आप एड्रेस दे रहे हैं वो एक ही एड्रेस होना चाहिए, यहाँ तक कि उसमें कॉमा का भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। इससे आपको गूगल में आपको फ़ायदा होगा, सर कोई सर्च करेगा तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। ये मैं इस पर एक अलग समय वीडियो बनाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं कभी समझा दूंगा। लेकिन उसका ध्यान रखें कि जो भी आप फॉर्मेट बनाएं वो एक फॉर्मेट यूनिक होना चाहिए और हर जगह सेम होना चाहिए। हर जगह आप सेम फ़ोन नंबर डालिए, हर जगह आप सेम एड्रेस डालिए और आपका जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का नाम होगा। ऑनलाइन लीड जनरेट करने के लिए आप सुलेखा का या जस्ट डायल का पेड प्लान ले ले सकते हैं। अभी जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट अभी होगा स्टार्टिंग में आपको, वो जस्ट डायल होगा। तो जस्ट डायल का आप पेड प्रोग्राम कोई कोई प्लान ले लीजिए। उसके बाद वो वहाँ से कुछ लीड आपको जनरेट होगा, तो धीरे धीरे आप उस पर काम करेंगे। फिर आप सुलेखा का भी ले सकते हैं। जस्ट डायल और सुलेखा में यही अंतर है कि सुलेखा आपको पर लीड चार्ज करता है, पर लीड आपको 58 या 68 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। लीड जनरेट करने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आप उस ऑर्डर को फुलफिल कैसे करते हैं। उसके लिए आपके पास ट्रक होना जरूरी है। तो ट्रक आपको कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले आपको ट्रक, आपको जब स्टार्टअप कीजिएगा तो ट्रक आपके पास नहीं होंगे, तो हर शहर में जो भी कमीशन एजेंट हैं, आपके शहर में जितने भी कमीशन एजेंट हैं, जितने के पास आप पहुंच सकते हैं उन्हें, उनके पास पहुंचिए, उनका नंबर लीजिए, उनका नोट कीजिए कि वो किस एरिया का और कौन कौन सा ट्रक प्रोवाइड करते हैं। तो उसे आप नोट करके एक पूरा नोट पैड बनाइए कि किस एरिया में कौन सा कमीशन एजेंट ट्रक, कौन सा ट्रक भेजता है। उसके करने के बाद आपको ये होगा कि जस्ट डायल से, सुलेखा से, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से लीड जनरेट होता है, तो आप सबसे पहले उनमें से देखेंगे कौन सा ट्रांसपोर्ट एजेंट कौन किधर भेजता है गाड़ी, उससे कॉल कीजिए, उनसे नेगोशिएट कीजिए। उसके बाद फिर अपना रेट तय करके उस पर जो भी आपका मार्जिन है, 10%, 15%, ट्रांसपोर्ट लाइन में 10%, 15% चलता है।
तो आप 10% उस पर चार्ज कीजिए और अपना आगे जो भी प्राइस है आपको आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और अपने फैमिली को खुश रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी ट्रांसपोर्टेशन पर अलग अलग टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, अलग अलग बिजनेसेस पर वीडियो आने वाली है। उससे पहले कि आप जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि 200 रुपये में कैसे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू करें, आपके अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ 200 रुपये में आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू किए, मेरा पहला वीडियो जाके देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।